मित्रों, आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी एकादशी है जिसका संबंध ग्रहण से है और जिसके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसके लिए आपको अंत तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर साल कई ग्रहण लगते हैं, इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर चांद और सूरज को ग्रहण क्यों लगता है? वैज्ञानिक तौर पर इसके कारण बताए गए हैं, लेकिन ग्रहण लगने का संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से भी जुड़ी हुई है। हर महीने दो एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की पड़ती है। इस तरह से पूरे साल 24 और अधिमास होने पर कुल 26 एकादशी तिथि पड़ती है। इन सभी एकादशी तिथि को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी का अपना विशेष महत्व होता है। पूरे साल में पड़ने वाली सभी एकादशी का व्रत और पूजन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लेकिन सभी एकादशी में एक एकादशी ऐसी होती है जिसका संबंध ग्रहण से होता है। तो मित्रों, जी हाँ, बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह भगवान विष्णु का एकमात्र ऐसा अवतार है जिसमें उन्होंने स्त्री का स्वरूप धारण किया था। लेकिन मोहिनी एकादशी का ग्रहण लगने से क्या संबंध है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आप आगे तक बने रहें। तो मित्रों, देखिए, हमारे पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है मोहिनी एकादशी के बारे में और मोहिनी अवतार के बारे में। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो समुद्र से 14 बहुमूल्य रत्न निकले, जिससे देवताओं और असुरों ने सर्वसम्मति से सहमति से बांट लिया। लेकिन जब अमृत का कलश निकला, अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद छिड़ गया। तब भगवान विष्णु को एक सुंदर स्त्री के रूप में मोहिनी के रूप में अवतार लेना पड़ा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का ये अवतार अत्यंत कामुक और सुंदर था। मोहिनी को देख असुरों जितने भी असुर थे उनकी आंखें उन पर ही टिकी रह गई और असुर उन पर मोहित हो गए। मोहिनी ने देवताओं और असुरों के इस विवाद को सुलझाने की गुजारिश की। इस तरह से असुरों ने अमृत कलश मोहिनी को दे दिया। मोहिनी ने कहा कि वह अमृत को देवताओं और असुरों के बीच बराबर में वितरण करेगी। इस तरह से देवताओं और असुरों ने सभी अलग अलग पंक्ति में बैठ गए। मोहिनी देवताओं को अमृत के कलश से अमृत पिलाने लगी और असुरों को अमृत देने का नाटक करने लगी। इधर असुर मोहिनी के रंग रूप को देखकर मोहित थे और उन्हें लग रहा था कि वे अमृत पी रहे हैं। पर मित्रों, इतने में ही ऐसा हुआ कि देवताओं की पंक्ति में छल से एक असुर बैठ गया और अमृत पान करने लगा। लेकिन सूर्य और चंद्र की नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को उस असुर के बारे में बता दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन असुर अमृत पान कर चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसी असुर के सिर वाले भाग को राहु और धड़ वाले भाग को केतु कहलाया जाता है। सूर्य और चंद्र ने उस असुर का भेद उजागर किया था, इस कारण से राहु और केतु सूर्य और चंद्र से द्वेष रखते हैं और बदला लेने के लिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है करते हैं। इसी कारण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण पता चल गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।